नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये क्वेश्चन आंसर की एक और नई वीडियो है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। जो मेरे यूट्यूब के फैंस हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, या उन जिज्ञासुओं को जो ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन कभी कभी किसी पैरामीटर में या किसी नियम में उलझ जाते हैं, नहीं समझ आता, ये उनके लिए है। अगर कोई अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन पूरी कराना चाहता है तो उसके लिए अकाउंट नंबर पे फ़ोन करें, बैंक का अकाउंट नंबर लें और फीस जमा कराकर पूरी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है नीरज कुमार जी का, बहुत लंबा क्वेश्चन भेजा उन्होंने और आंसर बहुत छोटा सा है उसका। गुरुजी प्रणाम, आपके वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं, इसलिए मुझे आपके सभी न्यू वीडियो का इंतज़ार रहता है। मेरा क्वेश्चन है, कर्क लगन में लगन 2 डिग्री 18 मिनट का है, चंद्रमा 9 डिग्री 58 मिनट का थर्ड हाउस में है, सूर्य के नक्षत्र में है और चंद्रमा को 11th हाउस से राहु दृष्टि दे रहा है। इसके अलावा कोई भी चंद्रमा को नहीं देख रहा है। सूर्य 8th हाउस में 6 डिग्री 17 मिनट का है, तो क्या चंद्रमा का रतन धारण किया जा सकता है? प्लीज़ बताएं, अति कृपा होगी। चंद्रमा का रतन मोती धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ एनालिसिस रिसर्च सेंटर, उन्होंने लिखा, हेलो अंकल, यू डिड नॉट सेलेक्ट एनी ऑफ माय क्वेश्चंस एंड गिविंग योर मार्गदर्शन। अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ, किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं या कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन कीजिए। आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करना है, उसका एक सिस्टम है, फीस जमा कराइए और पूरी कुंडली का एनालिसिस कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगल किशोर पाठक जी का, इन वर्गो लगन सैटर्न डेबिलिटेटेड एंड सिचुएटेड इन 8th हाउस, इट मीन्स 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, इज इट विपरीत राजयोग? इफ येस देन व्हाट वुड बी रिजल्ट? विपरीत राजयोग और डेबिलिटेशन ऑफ सैटर्न, छठे भाव का स्वामी आठवें में बैठ गया, ये तो विपरीत राजयोग बन ही गया और आपको विपरीत राजयोग के फल प्राप्त होंगे। अब ये शनि नीच का है और आठवें भाव में बैठा है तो उसके भी कुछ ना कुछ फल प्राप्त होंगे। हेल्थ प्रॉब्लम होगी, हड्डियों में दर्द होगा, पैरों में दर्द हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल पाठक जी का, वृश्चिक लगन में शनि लगन में हो और मंगल सूर्य शुक्र केतु 11th हाउस में हो और मंगल लग्नेश अस्त हो और 4th हाउस में चंद्रमा हो तो शनि की महादशा अंतरदशा क्या फल देगी? वृश्चिक लगन में शनि की महादशा अंतरदशा शुभ फल नहीं देती है, वो लग्नेश मंगल को शत्रु मानता है तो खराब फल ही देगा। कई लोग पूछते हैं फ़ोन करके, सर उपाय बताइए। उपाय इन वीडियो में नहीं बताए जाएंगे, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिज्ञासुओं के लिए हैं। उपाय पूछने हैं या और रेमेडीज वगैरह जो पूछनी है और कुछ पूरी का कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए फीस जमा कराइए, आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा और उपाय भी बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशांत कुमार सुतार, अगर D30 के लगन में राहु केतु हो तो क्या होता है? D30 यानी डिविजनल चार्ट 30 के लगन में राहु और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। राहु केतु केवल D24 और D30 में ही एक साथ बैठते हैं, लेकिन लगन में किसी भी
वर्क चार्ट में, किसी भी वर्क चार्ट में अगर राहुल लगन में बैठा है तो उस डिविजनल चार्ट के, वर्क चार्ट के आपको शुभ फल कभी नहीं मिलेंगे। अब ये आपने पूछा डी 30 में अगर राहु बैठा हुआ है केतु के साथ, तो ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ खराब करेगा और थोड़ा सा चरित्र में भी कमी करता है। इसलिए थोड़ा सा सोच विचार के काम करें जो भी करना हो। दीप्ति तमर जी, सर क्या एमराल्ड रिंग राइट हैंड में डाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हैं। कई लोग आपको बोलेंगे लेफ्ट में डालो राइट में डालो, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डाल सकते हैं। दोनों हाथ आपके हैं, शरीर आपका है। नॉर्मली मैं जेंट्स को राइट हैंड में पहनाता हूँ, लेडीज़ को लेफ्ट हैंड में, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है लेफ्ट हैंड में पहनने में तो राइट हैंड में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जियो जियो, सर अगर मेष लगन में 12th हाउस में गुरु के साथ बुध हो तो क्या, मेष लगन में 12th हाउस में गुरु के साथ बुध हैं तो क्या विपरीत राजयोग होगा? हाँ जी, 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, विपरीत राजयोग है। 6th लॉर्ड छठे भाव का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, ये भी विपरीत राजयोग है। तो ये तो दो दो विपरीत राजयोग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशील चंद्र मिश्रा जी का, वृश्चिक लगन में 5th हाउस में वक्री शनि और एकादश भाव में वक्री बुध व राहु की युति है, शनि व बुध एक दूसरे पर दृष्टि का क्या प्रभाव होगा? इस कुंडली के लिए, वृश्चिक लगन के लिए बुध और शनि दोनों अकारक ग्रह हैं। बुध की दृष्टि शनि पर, तो शनि के अशुभ प्रभाव को थोड़ा सा शुभता मिल जाएगी, लेकिन बुध पर शनि का प्रभाव और वो बुध राहु के साथ बैठा है तो बुध के अशुभ प्रभाव अधिक बढ़ गए। हालांकि 11th हाउस में सभी बैठे ग्रह जो हैं अपनी दशा अंतरदशा में फल ही देते हैं, लेकिन फिर भी बुध राहु के साथ बैठा है, जड़ योग है और शनि उसके शुभ प्रभाव को और कम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी का, गुरुजी प्रणाम, कन्या लगन में दूसरे भाव में तुला राशि में बुध सूर्य मंगल और चंद्र हैं, शुक्र 4th हाउस में 0° 20' का है, तो क्या यहाँ सूर्य का नीच भंग हो गया? नहीं भंग हुआ जी, अगर होगा तो कैसा फल देगा और नहीं होगा तो कैसा फल देगा? अब उसका नीच भंग नहीं हुआ तो नीच ग्रह के फल आपको अशुभ ही मिलेंगे। शुक्र 0° पर है, यह अपनी दशा में कैसा फल देगा? 1° से कम या 28° से अधिक ग्रहों में फल देने की क्षमता अधिक नहीं होती, तो ये आपको शुभ फल नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमणि कुमार जी का, सर कर्क लगन में, लगन में शनि और सूर्य बैठे हैं और शनि अस्त है तो क्या फल देगा? कर्क लगन में शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी है, कर्क लगन के लिए शनि अकारक ग्रह है, वो अपनी दशा अंतरदशा में बुरे ही फल देगा, अशुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा, आचार्य जी मकर लगन में 8th लॉर्ड सूर्य अगर 12th हाउस में लग्नेश शनि गुरु केतु के साथ हो तो पिता के साथ कैसा रहेगा? पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि और साथ में केतु बैठा और छठे भाव से राहु भी देख रहा है, सभी पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, इसलिए वो शुभ फल नहीं देगा, यानी कि पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगल को किशोर पाठक जी का, गुरुजी प्रणाम, इन वर्गो लगन मून इन सेजिटेरियस राशि, मून इज वर्गोत्तम एंड इन पुष्कर नवांश, व्हाट वुड बी द रिजल्ट व्हाइल मून इज 11th लॉर्ड
एंड मून इज नॉट योग कारक, ऑल्सो मून मेक्स गज केसरी योग बिकॉज जुपिटर इन लगन एंड मून इन फोर्थ हाउस। गज केसरी योग के फल आपको जरूर मिलेंगे और वो भी केंद्र में बना हुआ है। लगन में आपने बोला है जुपिटर बैठा है और फोर्थ हाउस में 11th लॉर्ड होकर चंद्रमा बैठा है, तो गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग अगर केंद्र में बनता है तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक मजूमदार जी का। गुरु जी, सैजिटेरियस लगन शनि 15 डिग्री, चंद्रमा 3 डिग्री और शुक्र 29 डिग्री इन फर्स्ट हाउस, तीनों एक साथ वहीं बैठे हुए हैं सैजिटेरियस में, तो क्या रिजल्ट होगा, प्लीज सजेस्ट मी। सैजिटेरियस यानी कि धनु लगन में शनि मारक है, लगन में बैठा, चंद्रमा 8th लॉर्ड है, लगन में बैठा है, और मारक बुध 7th लॉर्ड मारक बुध वो भी लगन में बैठा हुआ है, तो ये अशुभ फल ही देंगे, बुरा फल ही देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम देंगे। और 7th हाउस पर बुध और शनि का एक साथ प्रभाव पड़ना, 7th हाउस या 7th लॉर्ड पर इम्पोर्टेंसी का योग होता है, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है। नमस्कार।